तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सीएस रैंक में भाई ग्रैंड मास्टर पोस्टिंग कर रहा हूं, जिसमें भाई पिछले वाले एपिसोड में मेरा मास्टर लग गया था एंड गाइस बहुत ज्यादा माइनस प्लस हुआ था। जो जाके नहीं देखे जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया। देन गाइस ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, मतलब डे फोर होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखना है क्या हमारा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी के साथ खेलना पड़ रहा है एंड कभी कभी तो रीजन के भी बंदे दे रहे हैं भाई मैच मेकिंग में, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो रहा है। बाय द वे भाई, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भाई लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और भाई एक मेरे लिए हेल्प कर देना भाई, फुल वीडियो देख लेना जिससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। और लास्ट में कुछ बोलने वाला हूं, अगर वो आप लोग रिप्लाई दे देते हो कमेंट में तो समझ जाऊंगा आप लोग फुल वीडियो देखते हो। तो भाई चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमारा दिन का पहला मैच जो कि बहुत ही गंदी तरीके से हारे थे एंड हमारा यहाँ पे लग जाता है माइनस, और प्रोटेक्शन के कारण यहाँ पे मेरा माइनस नहीं लगता है। और दिन का पहला मैच माइनस होने के बाद मूड तो थोड़ा सा ऑफ हो ही गया था। बाय द वे गाइस, और एक मैच और एक माइनस हमारा हो जाता है एंड इस बार माइनस तो लगना ही है, प्रोटेक्शन नहीं था गाइस एंड यहाँ पे मेरा 50 का हो जाता है। और देन नेक्स्ट वाले मैच में जल्दी से रिकवर भी कर लेता हूँ, मतलब की कुछ ज्यादा ही हार्ड लो भी आ रहा है जिसमें थोड़ा सा मिस करने से पूरे भाई हमारा राउंड चला जाता है जिसके कारण हार भी आता है। तो देन गाइस हमारा नेक्स्ट वाला मैच में देखो, यहाँ पे मैंने ग्रेनेड किया बंदे को एंड भाई फाइनली भाई एक डाउन हो गया। अब डाउन होने के बाद मैं जल्दी से रश करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता नहीं था वहाँ पे और सारे बंदे हो सकते हैं, तो मेरे को नहीं पता था गाइस एंड सामने थोड़ा सा गया और देखो यहाँ पे कितना गलत सीन होता है भाई। मैं मतलब रश करने जा रहा था बिकॉज मेरे को एक AWM शॉट दिया और भाई दूसरे वाले बंदे यहीं पे बैठे हुए थे जो मेरे को मार दिया। अब यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन होने वाला है, जो कि एक चार्ज बूस्टर से काफी अच्छे तरीके से मार रहा था बिकॉज लगा नहीं एंड इसको भाई काफी खतरनाक तरीके से भाई तत्सुआ से मार दिया। अब मेरा फ्रेंड एक और लास्ट बाकी रहता है जो 1v1 का सिचुएशन होने वाला है एंड भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रश करते हुए अब देखना ये है गाइस कहीं मार पाएगा। ऑल राइट भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मार के भाई हम लोग का 3-0 कर दिए भाई यहाँ पे। अब दोस्तों हमारा ये होने वाला है लास्ट राउंड, अगर जीत गए तो देखो यहाँ पे भाई ग्रेनेड करता है बहुत सारे बंदे जो मेरा फ्रेंड सब डाउन हो जाता था एंड देखो यहाँ पे ऑल राइट भाई काफी भाई ग्लोबल पीछे लग गया जिसके कारण मैं अपना फ्रेंड को तो नहीं बचा पाया एंड चार्ज बूस्टर से पूरा भर दिया। अब यहाँ पे 1v3 का सिचुएशन होने वाला है, जो कि दोस्तों होने वाला तो नहीं है भाई, निकलने वाला नहीं है। बाय द वे देखना ये है इसके निकल पाएगा एंड एक डाउन क्या भाई खत्म कर दिया। अब देखते देखते यहाँ पे 3-3 का सिचुएशन हो जाता है, तो बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे हम लोग हारने वाले थे क्योंकि भाई देखो कितना गंदे तरीके से वो कमबैक किया एंड भाई काफी अच्छे तरीके से मारा और दूसरे शॉट मारा। और यहाँ पे मेरे से बहुत ही बड़ा गलती होता है दोस्तों, यहाँ पे मेरे को लगा एक ही प्लेयर है और यही देखते ही मैं रश कर देता हूँ भाई। तो यहाँ पे देखो दो प्लेयर था गाइस जो मेरे को भाई बहुत ही गंदा तरीके से मार दिया भाई। 1v4 का सिचुएशन होने वाला है, जो कि इम्पॉसिबल से लग रहा था क्योंकि सामने वाला प्लेयर नूब तो नहीं आ रहा था, बहुत ही हार्ड भी आ रहा था, तो भाई मारना इम्पॉसिबल और यहाँ पे फिर से हम लोग हार जाते हैं। तो बहुत ही गलत तरीके से भाई इतना हार्ड लोबी में भाई कैसे खेल पा रहा हूँ, बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे माइनस लग गया और काफी ज्यादा माइनस प्लस होने के बाद भाई मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो माइनस लगा गाइस वो हम लोग रिकवर करने के लिए फिर से खेले और यहाँ पे हमारा भाई हो जाता है प्लस और 51 से तो स्टार्ट किया था और अभी तक मेरा 51 है और शायद 2 घंटा गेम खेल लिया भाई। आप लोग को उतना देखो, आप लोग को यहाँ पे दिखाया था प्रूफ, इतना ज्यादा माइनस प्लस हुआ भाई कि यही मतलब कुछ ज्यादा ही माइनस प्लस हुआ है जो आप लोगों को उतना नहीं दिखा सकता क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा देखो 51 ही है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे है। देन गाइस अब हम रिकवर स्टार्ट कर देते हैं। देन गाइस आप लोगों को बता दूं कि भाई सीएस में एक लक भी होता है कि आपका लक सही हो तभी आपका प्लस होगा एंड लक खराब हो ना भाई तो इतना हार्ड लो भी देगा कि भाई आपका माइनस ही होना चाहे आपका कितना भी मतलब तगड़ा स्क्वाड दे दे। तो हम लोग यहाँ पे मतलब भाई तगड़ा स्क्वाड तो हमारा भी था बाय द वे भाई, वो सब इतना खतरनाक प्लेयर आ रहा था जिसके कारण हम लोग भी हार जा रहे थे बिकॉज यहाँ पे अभी मेरा लक साथ दे रहा था जिसके कारण अच्छे से प्लस हो रहा था एंड भाई मतलब थोड़ा सा तो अच्छे प्लस हो रहा था। देन नेक्स्ट वाला मैच भी हमारा बोया होता है और यहाँ पे देखते ही देखते हमारा भाई 57 का स्टार हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग 57 का स्टार लेते हैं। देन भाई स्ट्रिक भी देख लो और भाई नेक्स्ट वाला मैच भी बहुत ही अच्छे तरीके से बोया होता है, मतलब आपका अगर बोया स्टार्ट होगा ना तो भाई कोई नहीं रोक सकता, बोया होगा। और अगर आपका भाई माइनस स्टार्ट होगा तो भाई क्या ही बोलो। तो देखो यहाँ पे एक और मैच है जिसमें 1v1 का सिचुएशन था जो मेरा फ्रेंड नहीं निकाल पाया। अब ये भाई फ्रेंड का गलती नहीं था, उसके पास जॉन था इसलिए। अब यहाँ पे भाई सामने प्लेयर का 3 राउंड हमारा 0 था, तो हम लोग को कमबैक करने का थोड़ा एंड भाई यहाँ पे एक को डाउन करा एंड ऊपर से भाई कितना गंदा डैमेज दे रहा था यहाँ पे देखना, मतलब मेरा फ्रेंड यहाँ पे 4 जिंदा है एंड 0-4 कर दिया है। और यहाँ पे ये देखना है क्या गाइस हम लोग यहाँ पे कमबैक कर पाएंगे क्योंकि हमारा स्ट्रीक भाई 7-8 का लग चुका है। अगर अभी हम लोग हार गए तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे देखना ये है भाई, एक प्लेयर को मैंने डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मारा बंदे को भाई, बट वो भाई वहां से भाग गया एंड ग्रेनेड किया जो कि कुछ काम का तो नहीं रहा। अब यहाँ पे भाई 3v2 का सिचुएशन होने वाला है, अगर मार दे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मर जाएगा बंदा। और भाई 3v1 का जो भाई लैंडिंग करने वाला एंड
काफी अच्छे तरीके से मार के यहाँ पे 1-3 का सेशन कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट वाले राउंड में हमारा देखो यहाँ पे चारों हम लोग सही हैं एंड रस भी कर रहा था, बट यहाँ पे मेरा फ्रेंड बोल दिया कि इधर से नहीं जाना, इधर से आ जाओ भाई, तो मैं चला गया उधर ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फ्रेंड एक डाउन ले लिया। अब दो फ्रेंड मेरा खत्म हो गया भाई। अब भाई 2-4 का सेशन होने वाला है, जो कि देखना यह है क्या हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे या भाई हार जाएंगे। तो सामने जाते ही गाइस एंड एक प्लेयर था भाई, काफ़ी अच्छे तरीके से डैमेज दिया एंड भाई यहाँ पे डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद 2-2 का सीजन होने वाला है, अब तो निकाल सकते हैं क्योंकि 2-2 हो तो निकाल सकते हैं। भाई मेरे को काफ़ी डैमेज दे, तो मैं मेडिकेट करने लगा। और भाई अब मैं फ्रेंड को भाई कवर भी देने जाऊँगा और इधर प्लेयर आएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से डैमेज दूंगा, बट आया नहीं। अब यहाँ पे एक प्लेयर मेरे पे रस कर दिया था दोस्तों, तो मैं जल्दी से अपने आप को भाई कवर लेते हुए पीछे भाग गया क्योंकि यहाँ पे रहता तो मेरे को मार सकता था। अब देखो मेरा फ्रेंड एक डाउन करते ही मैं जल्दी से रस कर दिया क्योंकि भाई हो सकता था कुछ, और ये मेरा फ्रेंड ही दोनों प्लेयर को मार दिया। अब यहाँ पे 2-3 का सेशन हो गया एंड नेक्स्ट वाले राउंड में देखो यहाँ पे देखते ही देखते 3-3 का हो जाता है। अब भाई ये वाला राउंड छोड़ना तो नहीं है हम लोग को। अब दोस्तों हम तो रश करने जा रहे थे बिकॉज गाइस देखो सामने प्लेयर दो था और मेरे पास ग्रेनेड था, तो मैं ग्रेनेड किया बट गाइस वहाँ से वो बंदा भाग गया, मतलब डैमेज थोड़ा सा लगा और मेरे पे रश कर देता बंदा। तो भाई अब देखो यहाँ पे डैमेज तो देता हूँ बंदे को, बट भाई वो कहाँ, मतलब उसके पास टच हुआ था जिसके कारण बहुत तेजी से भागा एंड मेरे को काफ़ी डैमेज दे रहा बंदा और भाई मेरे को डाउन कर दिया। अब यहाँ पे भाई 1 प्लेयर बाकी रहा सामने वाला प्लेयर, जो कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा फ्रेंड मार सकता है क्योंकि भाई मेरा फ्रेंड 3 है। तो देखना ये है गाइस क्या यहाँ पे मार पाएगा या वो 1-3 लेके चला आ जाएगा। और यहाँ पे भाई 3 प्लेयर को इसी ने मारा है, तो भाई इसका अगर ये मार दिया तो उसका भाई क्वार्टर किल हो जाएगा। और भाई फाइनली यही मारा, उसका क्वार्टर किल हो गया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कम बैक किए जिसके कारण भाई थोड़ा सा तो अच्छा लगा और बोया भी हो जाता है हमारा। और गाइस शायद हमारा 7 का स्ट्रीक भी होने वाला है एंड यहाँ पे 59 का स्टार हो जाता है हमारा। देन नेक्स्ट वाला मैच भी हमारा बोया होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें भाई मेरा मतलब 59 था एंड यहाँ पे 60 का स्टार हो जाता है एंड 8 का स्ट्रीक भी। और स्टार्टिंग में तो लक काम नहीं दे रहा था बिकॉज यहाँ पे हम लोग भाई खेलते गए जिसके कारण हम लोग का लक आ गया 7 में एंड यहाँ पे मेरा 61 का हो जाता है और स्ट्रीक तो आप देख सकते हो 9 का। अब थोड़ी देर बाद गए हमारा स्ट्रीक टूट जाता है एंड ये हमारा स्ट्रीक टूटने के बाद प्लस होता है, मतलब भाई टूट गया था बहुत ही गंदे तरीके से हारे थे एंड यहाँ पे हमारा 62 का स्टार होता है। नेक्स्ट वाला मैच भी बोया होता है। और हाँ गाइस यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों से कि भाई मैं कुछ कमेंट करने बोलूंगा, तो आप लोग ये कमेंट करना कि आप लोग कौन कौन से भाई रैंक में हो अभी सीएस रैंक में, तो मैं समझ जाऊंगा भाई कौन कौन मेरा यहाँ तक वीडियो देखता है। और भाई जिसने कमेंट कर दिया उसके लिए कुछ स्पेशल है, तो कमेंट करना भाई भूलना मत। एंड यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भाई प्लस हो रहा था, देन यहाँ पे भाई कभी कभी माइनस हो जा रहा था एंड भाई कभी कभी ना एक बार तो मैच मेकिंग में नल्ला नौनी आ गया था भाई लाइव स्ट्रीम वाला, बहुत ही मजा आ गया था मतलब खेलने में। तो यहाँ पे भाई प्लस तो हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, और मतलब हालो भी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो इतना आपको पूरा फुल गेम प्ले दिखाऊंगा तो कुछ ज्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा जिसके कारण आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए भाई आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे हार्ड जहाँ पे कुछ यूनिक हो रहा है वहीं पे आप लोगों को भाई क्लिप दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लो एक प्लेयर मेरे पास भाई स्टार्टिंग राउंड था और मेरे राउंड में मतलब कोई मेरा चारों प्लेयर अभी न्यू थे, मतलब वो वाला प्लेयर नहीं था। और देखना ये है गाइस कि यहाँ पे निकल देखो मेरे को मार दिया। अब डाउन करने के बाद दोस्तों एक प्लेयर ने डाउन कर दिया उसको और मेरे को यहाँ पे मतलब रिवाइव हो जाता है, रिवाइव मिल जाता है, देन उधर वाला भी रिवाइव मिल जाता है दोस्तों और मेरे को फिर से डाउन कर देता है। भाई कितना बार डाउन करेगा पता नहीं। बाय द वे गाइस फिर से मेरे को बचाने के लिए नीचे रहता है बंदा, जो कि मेरे को फिर से अगेन बचा लेता है। और यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे मैं मेडिकेट करता हूँ एंड भाई मेरा प्लेयर जाके रस कर देता है। अब एक प्लेयर उधर का डाउन ले लेता है, मेरा प्लेयर तो एक फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे राउंड लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बिकॉज यहाँ पे एक प्लेयर को मैं जल्दी से रिवाइव भी देता हूँ क्योंकि मेरे पास थीवा था एंड रिवाइव देने के बाद यहाँ पे एक को काफ़ी डैमेज देता हूँ। देन भाई उसे डाउन करने के बाद यहाँ पे एक प्लेयर और मेरा डाउन था जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बचा लेता हूँ। अब यहाँ पे 1 प्लेयर और बाकी रहता है। अब तो भाई हमारे पास राउंड आ चुका है क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे चारों राउंड हम लोग मतलब चारों प्लेयर बाकी है। अब देखना यह है किसका किल होगा। तो मेरे पास मेडिकेट नहीं था जो मेडिकेट लेके और यहाँ पे मेडिकेट क्या बिकॉज यहाँ पे भाई प्लेयर को मार के और यहाँ पे राउंड निकाल लिया। अब भाई हमारा एक राउंड हो गया था और एक प्लेयर भाई सामने था जो कि मैं यहाँ से एम ले रहा था और देखते ही देखते भाई एक प्लेयर दिख जाता जिसको भाई बहुत ही अच्छे तरीके से डैमेज देते थे एंड भाई फिनिश भी करता मतलब डाउन करता हूं और थोड़ी देर बाद फिनिश भी कर लेता हूं। अब यहां पे एक प्लेयर उधर का फिनिश हो चुका था जो कि थोड़ा सा उधर कमजोर हो गया है टीम एंड थोड़ा सा मतलब मैं राइट में भी देखता हूं, राइट में भी एक प्लेयर रहता है लेकिन भाई मैं यहां पे इतना बड़ा गलती करता हूं ना। देखो एक प्लेयर दिख रहा था मेरे को और मैं एक को हेड दिया बहुत ही अच्छे तरीके से बिकॉज देखो यहां पे मैं कितना गंदा तरीके से रश कर रहा था और उसको रिवाइव देकर मेरे को यहां पे मार दिया गया। अब मारने के बाद भाई एक प्लेयर गया एंड भाई उसको एक को डाउन कर दिया।
आप डाउन करने के बाद तो वो तो फिनिश कर देगा, बिकॉज यहाँ पे देखना ही आएगा इस क्या एक को मार दिया यहाँ पे, अब एक प्लेयर और बाकी है और यहाँ पे भाई वही प्लेयर ने दोनों को मार दिया जिसने मेरे को मारा था और यहाँ पे टू राउंड हो जाता है हमारा 0-2 कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले मैच में हमारा मतलब आता है सीपीआर में जो कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था क्योंकि उधर वाले प्लेयर के पास लूट हो चुका था। तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड करता हूँ ड्रॉप के पास और एक को डाउन ले लेता हूँ। अब डाउन लेने के बाद जल्दी से रश भी कर देता हूँ क्योंकि एक डाउन होने के बाद भाई थोड़ा सा तो मुश्किल से आसान हो जाता है। एंड थोड़ा सा मतलब ग्रेनेड से मारने के बाद एक प्लेयर और रश कर रहा था जो कि भाई मेरे फ्रेंड के साइड था और मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैसेज बना के रखता हूँ अपना फ्रेंड को ही बोलता हूँ भाई रश कोई नहीं करना है क्योंकि रश करेगा अभी मार सकता है बंदे और एक को मार देगा फिर तो भाई मुश्किल हो जाएगा। और वैसे ही करता मेरा फ्रेंड भाई रश कर देता है जिसके कारण मर जाता है बंदा। अब यहाँ पे देखो भाई एक प्लेयर तो मेरे को काफी डैमेज दे दिया बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डैमेज दिया। एंड भाई मतलब एक को तो मैं डाउन दे दिया और भाई यहाँ पे मैंने मतलब डाउन दे दिया अपने आप को। अब वन वर्सेस टू का यहाँ पे मारा बिकॉज यहाँ पे उसके पास सोनिया था जो यहाँ पे बच गया और 2-1 का यहाँ पे सिचुएशन हो जाता है मतलब हम लोग एक राउंड हार जाते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है बिकॉज यहाँ पे मैं इतना बड़ा गलती करता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे रैंडमली जा रहा था एक प्लेयर मेरे को डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे 2-4 का सिचुएशन होने वाला है और ये तो भाई डिफिकल्ट होने वाला बहुत ज़्यादा क्योंकि भाई मार तो नहीं सकता जितना मेरे को लग रहा है। और नीचे प्लेयर था जिस पे ये रश किया और ये शायद इसको नहीं करना था दोस्तों मतलब ऊपर जाना था इसको और यहाँ पे ये इसको तो डाउन करता है लेकिन ऊपर वाले प्लेयर डाउन हो जाता है और यहाँ पे 1-3 का सिचुएशन होने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मारा बिकॉज यहाँ पे पूरा तीनों बंदे रश कर देते हैं इस पे। अब रश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका काफ़ी डैमेज भी देता है और ये ओरियन चार्ज करता है एंड भाई इसको मार देता है एक को डाउन ले जाता है और यहाँ पे इसको मारने के बाद भाई 2-2 का सिचुएशन हो जाता है जो कि मुश्किल था। एंड भाई लास्ट यहाँ पे मैंने एक ग्रेनेड करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेनेड करता हूँ और जल्दी से रश भी कर देता हूँ क्योंकि ग्रेनेड से तीन बंदे डाउन मतलब तीन बंदे डैमेज थे तो मैं जल्दी से रश भी करता हूँ और यहाँ पे चारों का मौको देखने के कारण मैं जल्दी से रश भी कर देता हूँ। भाई एक प्लेयर डाउन था और दूसरा प्लेयर को मैं डाउन करता हूँ और एक प्लेयर मेरा ग्रेनेड करता है बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि दो प्लेयर को ले जाता है। अब एक प्लेयर और था जो राइट साइड था गाइस मैं जल्दी से मेडिकिट छोड़ के मैं रश करता हूँ बिकॉज यहाँ पे वो प्लेयर मार के यहाँ पे हम लोग राउंड ले लेते हैं और 3-2 का सिचुएशन हो जाता है। अब देखते ही देखते यहाँ पे एक प्लेयर था जो कि दोस्तों भाई मैंने एक ग्रेनेड किया और काफी डैमेज दिया है 182 का लगा मतलब 184 का लगा और दूसरी बार वहाँ पे मेरे को ग्रेनेड नहीं करना था राइट साइड था बंदा और मेरा फ्रेंड यहाँ पे रश कर देता है जो कि बहुत ही गलत सीन होने वाला था। और एक प्लेयर लेफ्ट साइड में था जिसके कारण मैं भाई थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे। देखो लेफ्ट साइड में दो प्लेयर था एक नहीं दो था तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि इधर आने का लेकिन इधर आता नहीं बंदा उस साइड चला जाता है और भाई फिर मेरे को भी जाना पड़ता है क्योंकि इधर तो था नहीं। एंड मैं जल्दी से रश करता हूँ और मेरा फ्रेंड 2 को डाउन ले जाता है और मेरा एक फ्रेंड डाउन होता है जो कि एक फ्रेंड और उसका डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे 1-3 का सिचुएशन होने वाला है जो कि AWM से कुछ काम नहीं किया एंड मेरे रश करने से पहले ही देखना ये है कि मार पाएगा बंदा और यहाँ पे मार दिया। अब भाई 4-2 से मारने के बाद बहुत डिफिकल्ट था ये मैच जो कि भाई हम लोग रिकवर करके एंड बोया ले लेते हैं। एंड ये हमारा लास्ट मैच होता है डे का जो कि यहाँ पे 66 का स्टार्ट करते हैं देन हमारा 51 से स्टार्ट किए थे एंड 56 पे एंड करते हैं गाइस। एंड अभी तक जो वीडियो देख रहे हो उसको दिल से शुक्रिया गाइस क्योंकि यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हो वही मेरा भाई खास है। एंड वो मतलब एक लाइक कर देना एंड कॉमेंट अपना कर देना मेरे को भाई पता करना है कि आप लोग कौन कौन यहाँ तक वीडियो देखते हो। इतना ही भाई आज के वीडियो में एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में देखना है गाइस क्या हमारा स्टार होगा। तो अभी तो इतना ही मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।